अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो रुहान की अपॉइंटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट से हम वापस आ गए हैं और तकरीबन 8 बजे का टाइम था अपॉइंटमेंट का, तो घर से हम निकले थे 7:30 बजे, आधे घंटे में पहुंच गए थे। नॉर्मल चेकअप था, उन्होंने ब्लड वगैरह लेना था रुहान का और चेक करना था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो जैसा कि यहाँ पर नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, हर बच्चे का तकरीबन इसी तरह से होता है। तो अभी खाना बन रहा है, नाश्ता हमने सुबह का बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, भूख बहुत लगी है। रुहान ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, किसी ने भी कुछ नहीं खाया, और रस्ते में हमने कुछ नहीं खाया ना लिया था। मैकडोनल्ड्स गए थे, लेकिन जो मैकडोनल्ड है वो तकरीबन 10 बजे खुलना था, तो इस वजह से हम ऐसे वापस आ गए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या नाश्ता बन रहा है। तो जी नाश्ता बन रहा है अभी हम मसल। तो आज का नाश्ता है कि आलू अंडे, अंडे कल अंडे इधर बनेगा अभी, पराठा बलों वाला पराठा। तकरीबन 11 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, हमें वहीं पे लेट हो गया था असल में, डॉक्टर के पास ही। नॉर्मली तो रोज़ ही पराठे का नाश्ता होता है, बल वाले पराठे का, लेकिन आज भूख भी काफ़ी लगी है, तो इसलिए मज़े मज़े के बन रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आएगा खाने का। मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक बार फिर। तो दूर पे नहीं बना रही है? नहीं। ये है मक्खन और चूल्हे पे बन रहे हैं। नॉर्मली तो इसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं वैसे, जो सिंपल रोटी होती है, क्योंकि ये तंदूर है और ये इलेक्ट्रिक है, और इसके ऊपर पहले रोटी डाली जाती है यहाँ पे, उसके बाद ये होता है कि जब थोड़ी पक जाती है तो फिर उसको उसको खोल के तो इसके अंदर डाल दी जाती है, और रोटी काफ़ी अच्छे से पक जाती है। पराठा इसके ऊपर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये इस जगह जो बनी हुई है तो ऑयल वगैरह या घी वगैरह यहाँ पर जाता है, तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए जो पराठा है वो सिर्फ और सिर्फ उधर बनता है चूल्हे के ऊपर नॉर्मली। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ पे आता है तकरीबन 60-70 यूरो का आता है ये, और रोटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चूल्हे के ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है रोटी बनाने की, ये यूज़ होता है यहाँ पे बाहर यूरो की रोटी बनाने के लिए। ये बन गई है जी पराठा हमारा, तैयार हो गया। एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चूल्हे इस तरह के होते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक, तो इस वजह से यहाँ पे रोटी जो है इसके ऊपर नहीं सही से बन सकती है, लेकिन पराठा बन जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बिजली भी खाता है इस वजह से। हाँ तवा अच्छा होना तो रोटी बड़ी अच्छी बनती है, तवा अच्छा है ना तो रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है, सूखी हो बेशक पराठा। हाँ तो इसलिए पराठा पकाने के लिए हम यही चूल्हा यूज़ करते हैं, हांडी वगैरह पकाने के लिए, लेकिन जब रोटी पकानी हो तो फिर जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाला तंदूर जो है ये सबसे बेस्ट है रोटी पकाने के लिए। ये किसके लिए बना रही हूँ? आपके लिए बन गया एक पेड़ा, आपके लिए नहीं। ये बल वाले पराठे दो इस तरह रोटियां बनानी है, उसके अंदर मक्खन डालना है। रुहान के लिए वो सूखी रोटी पसंद नहीं करता, उसके ऊपर लगा के दूध फिर भी जिस तरह बनानी पड़ेगी। अच्छा इस तरह करके और फिर उसको पका लेना रोटी की तरह। ये रुहान के लिए बना रही हो ना? रुहान के लिए। अच्छा ये इस तरह से बन रही है जी बलो वाला पराठा डबल। ये तो पिज्जा काटने के लिए होता है नॉर्मल, ये कितने करते हैं इसके साथ? बहुत कुछ कट जाते हैं, अगर बंदा भी लड़े हो तो चिच काट दे। तो ये देखें जी नया तरीका मैंने देखा पहली दफा कि किस तरह से पराठा बनाया जा रहा है बलों वाला रुहान के लिए। खस्ता और करारा पराठा देख ले कैसे ये जैसे बिल्लियां नहीं पीती हैं वैसे पी रहे बेटा। क्यों ऐसे पी रहे हैं बेटा ये आप? क्या बिल्ली हो आप? हैं रुहान बेटा बिल्ली हो? ओए रुहान है बिल्ली है बेटा आप? हैं मेरा बेटा क्या करे। ये वहां से हमने कोला लिया है कि शॉप में गए थे जब अपॉइंटमेंट के बाद, तो ये हमें 2.5 यूरो की मिली है, ये 1 लीटर भी नहीं है और वो हमें 2.5 यूरो की मिली है। और रुहान जो है ना ये कोले का बहुत शौकीन है, कोक का यार बंदा। ये कुछ रुहान ने नीचे गिरा दिया है, ये सारा गीला हो गया है और कुछ रुहान पी रहा है। अब बच्चों को मीठा खाने से बंदा कैसे मना कर सकता है? बहुत मुश्किल है कि बच्चों को मीठे से मना किया जाए। ये जो कोक है आपको पता है इसके अंदर कितनी ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन अब क्या हो सकता है। बच्चे इतने डॉक्टर बहुत मना कर देने बच्चे नु मीठे तो। ये जी ऊपर लग रहा है मक्खन, असि जिधर भी जाने हैं सानू यही कहने हर बच्चे ने। मेरी रोटी तैयार हो गई इस तरह? हां जी, और रुहान दी और ये रुहान के भी तैयार हो रही है।
मुझे दे दो फिर मैं तो खा लूं। फिर रोहान के साथ ही इकट्ठे खाते हैं। मेरी बात सुनकर ये सूखी रोटी खानी है बेचारी ने। सिद्रा ने खानी है सूखी रोटी, उसका पेड़ा ये पड़ा है, ठीक है, और हमारी बन गई है। आज बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चार पाँच महीने ऐसे रहेगा, बारिश हो रही है, बड़ा अजीब सा वेदर है। देखें इतना गंदा मौसम है कि पूरे रास्ते में बारिश थी। और ये भी मकान जो है ये बन रहा है, और शायद हम इसमें शिफ्ट हो जाएंगे जब ये मुकम्मल होगा। अभी इसमें टाइम है बनने में, पीछे का सारा हिस्सा भी तैयार हो रहा है, सारा ही बन रहा है, लेकिन बारिश देखें कैसे पड़ रही है, इतना गंदा मौसम है ना। अभी चार पाँच महीने ऐसे चलना है ये, जब जितनी गर्मी है कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब बारिश देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। शेवियर भी काफ़ी बड़ी हो गई, सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बाहर जाओगे वहाँ पे जो फ्रिजवा है जो यहाँ पे नाई के पास बाल कटवाने के लिए या शेव करवाने के लिए तो 15-20 यूरो तो गए, इसलिए मैं हमेशा से खुद ही करता हूँ। मशीन मैंने एक अच्छी रखी हुई है और खुद ही करना पड़ता है। रोहान के बाल भी मैंने एक दो खुद ही काटे हैं, एक तो वो कटवाता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कटवाता है, अभी थोड़ा छोटा है तो इसलिए कोशिश यही करता हूँ कि खुद ही काट दूँ। अपना तो खुद ही करता हूँ क्योंकि बेहतर है कि बाहर 20-25 यूरो देने से बंदा खुद ही कर ले। तो अभी जो है थोड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा ट्रिमिंग वगैरह करने वाली है, बाकी तो ठीक है। लाइट जलाओ बेटा, लाइट जलाओ। रोहान ने आके तंग करना स्टार्ट कर दी, कभी लाइट बंद कर रहा है कभी जला। लाइट जलाओ, लाइट नहीं बंद करनी बेटा आपने। अभी हो गया कुछ, थोड़ा बहुत पहले से फिट हो गया, काफी है, एक हफ्ता और गुजर जाएगा आराम से। नाश्ता हमारा हो गया तैयार, और जैसा कि मैंने कहा बलो वाले पराठे हैं, इसमें से दो मेरे हैं, एक रोहान का, ऊपर वाला रोहान का, ओके, नीचे दो मेरे हैं, और साथ में ये अंडे हैं। भूख इतनी ज़्यादा लग गई हुई है अभी कि क्या बताऊँ मैं। अभी मैं इसको खाता हूँ जल्दी जल्दी से। लस्सी पीनी है ना?